सो वेलकम बैक टू द चैनल। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब मैं कच्छ में था तो सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहा था। नॉर्मली क्या होता है, जब मैं व्लॉग करता हूँ तब मैं माइंडसेट से चलता हूँ कि ऐसा ऐसा बनाऊँगा, ऐसा ऐसा बनाऊँगा और फिर ऐसे म्यूज़िक डालूँगा, ऐसे एडिट करूँगा। लेकिन कच्छ में था तब, फैमिली के साथ था, तो मैं पहले से लैपटॉप लेके ही नहीं गया था, एडिटिंग करने वाला ही नहीं था वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे नहीं की। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग की वहाँ पे। और मुझे ये भी फाइनल नहीं था कि मैं व्लॉग डालूंगा या नहीं डालूंगा, रखूंगा या नहीं रखूंगा। लेकिन अभी यहाँ पे आके मेरे को लग रहा है कि व्लॉग अच्छे है, रिकॉर्डिंग अच्छी है, इसलिए मैं व्लॉग रख रहा हूँ। तो अगर ये कच्छ सीरीज अच्छी लग रही है तो भाई लाइक कर दो, ठीक है। सो वेलकम बैक टू द चैनल, लेट्स बिगिन कच्छ सीरीज एपिसोड नंबर 2 का भी पार्ट 2। तो इस पार्ट 2 में हम गए थे वंदे मातरम मेमोरियल जो कि भुज में है, तो वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। लेट्स गो, 3 2 1। तो भाई हेलो, और अभी हो रहा है टाइम 4:40। हम उठे, हम मतलब आए, खाए, लंच किए और सो गए। पूरा मतलब पूरा जो फेस था वो पूरा मिट्टी मिट्टी मिट्टी। इतना चले हम 16 किलोमीटर आज मिट्टी में चले, 16 8 आने के 8 जाने के। वो जो जगह वहाँ गाड़ी नहीं चल सकती है, इसलिए वो सब है। और अभी एक जगह है वंदे मातरम, वहाँ पे जा रहे हैं, देखते हैं क्या है। मैं भी पहली बार जाऊँगा, देखा तो एंजॉय। हम एकदम ऐसे वंदे मातरम जैसी अच्छी जगह पे जा रहे हैं। तो ये देखो पूरा ट्रेडिशनल पहना है हमने, कुर्ता और नीचे पैजामा। आउटफिट में कुछ बाकी नहीं रखते। ये जो है वो वंदे मातरम मेमोरियल है, ये इंडिया गेट। अंदर जाके देखेंगे तो पार्लियामेंट, वो अंदर अभी दिखाएंगे आपको। ये देखो पार्लियामेंट और ऊपर भारत का झंडा, क्या बात है क्या बात है। भाई साहब पार्लियामेंट हाउस एट माय बैक, डमी तो डमी यार, पार्लियामेंट पार्लियामेंट होता है। ये देखो, हाँ वहाँ सर, हाँ वीडियो उतार उतर यार, हाँ हाँ जो वंदे मातरम मेमोरियल है, ये अंदर ये जो पार्लियामेंट ऐसा बना है वो उसके अंदर पूरा शो है 2 घंटे का। आप जब भी आओ तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करो, बिकॉज़ यहाँ पे मतलब आप अपनी अब पूरा बताए कि कैसे भारत इंडिपेंडेंट हुआ। और आप जैसे ऐसा इमेजिन करो कि गांधी जी की जगह, गांधी जी को ऐसा धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया था ट्रेन से साउथ अफ्रीका में, तो वो पूरा ऐसा सब बना है। तो इतना अच्छा बना है कि एकदम ऐसा लगे कि ऐसा गांधी जी गिर रहे तो लाओ उनको बचा लेता हूँ मैं, एकदम एकदम ऐसा ऐसा लगा। तो बहुत गर्व है, ये देखो। और ये बहुत मज़ा आया ये शो में। चलो आज मेरे पास शब्द ही नहीं है। और यहाँ पे अंदर है ना ये सब जो हमारा सामान है, जो भी फ़ोन है वो सब है, हमको जमा कर देना पड़ता है। और अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, ऐसा है। चलो तो अभी जस्ट यहाँ पे लाइटिंग्स चालू की है, एकदम पार्लियामेंट ही लग रहा है। हाँ, वो ये जो पूरा बना है वो आशापुरा फाउंडेशन
ने पूरा बनाया वंदे भारत मेमोरियल, तो मैं आपको यूं ही ऐसे ले जाता हूँ अंदर। मेमोरियल का जो जो शो था वो हो गया, और ये कुछ यहाँ पे मैंने एक्सप्लोर किया कि कुछ अच्छा अभी यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन ये सब चालू है, जाके देखते हैं। रास्ता ही बंद है। देखो भाई, जब भी यहाँ पे आ रहे हो तो फोटोज़ की परमिशन पहले लो, ठीक है, फिर ही है फ़ोटो की जो वीडियोग्राफी करो जो करो, क्योंकि कुछ कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे फ़ोटोज़ नॉट अलाउड है, कुछ कुछ जगह ऐसी जहाँ पे अलाउड है, ठीक है। तो पहले वो नॉलेज ले लो फिर जाओ, ऐसे घुस के फ़ोन उठा के ठक 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 फ़ोटो मत खींचना। अभी यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, जलेबी रेस्टोरेंट, वहाँ पे आए हैं, और अब कुछ पल हम हमारी फैमिली के लिए रखते हैं। तो अब थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, और अच्छा लग रहा है तो लाइक करो। Thank you for watching this. Stay safe, take care, bye-bye. Sorry, I'm going to see you now. Bye-bye.